रोहित के 12 कॉलों का राज, पुलिस ने किया पर्दाफाश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। यह अलग बात है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। शनिवार को दिन भर चली पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला और माँ उज्ज्वला सहित परिवार के 8 सदस्यों से 8 घंटे तक गहन पूछताछ की। इसमें रोहित और अपूर्वा के बीच एक महिला के आने से संबंधों में खटास आने की बात सामने आ रही है। वहीं पत्नी और मां के विरोधाभासी बयान से मामला थोड़ा उलझा जरूर है, लेकिन जल्द ही क्राइम ब्रांच इस मामले का पर्दाफाश कर सकती है। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी राजीव रंजन और डीसीपी जॉय टर्की समेत करीब 25 पुलिस अधिकारियों की टीम ने रोहित शेखर के डिफेंस कॉलोनी C329 स्थित घर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। सीन ऑफ क्राइम पर फोटो कराए जाने के साथ पूरे घर का बारीकी से मूल्यांकन किया गया। उधर रोहित की पत्नी अपूर्वा माँ ज्वाला शर्मा, रोहित के बड़े भाई सिद्धार्थ शर्मा, ससुर पीके शुक्ला, घरेलू नौकर गोलू, चालक अभिषेक व एक महिला नौकरानी सहित कुल 8 लोगों से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। उनसे करीब 80 सवाल पूछे गए। इसमें खासकर पत्नी अपूर्वा पुलिस की रडार पर रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के जब में रोहित की पत्नी के अलावा भाई सिद्धार्थ और माँ ज्वाला भी हैं।